जय हिंद भाई सारे कैंडीडेट्स नूं तां एक बार फिर आए थोड़े वास्ते बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लैके। तो अज्ज दी इस वीडियो विच दोस्तों गल करांगे पंजाब पुलिस एस आई भर्ती बारे। तो फाइनली दोस्तों पंजाब पुलिस एस आई भर्ती 2022 जिहड़ी है जारी कर दी गई है, बट ये कोई नवी भर्ती नहीं है। जे तुहानूं याद होए तां पंजाब पुलिस एस आई भर्ती 2021 दे विच जारी हुई सी, बट उसका एग्जाम कैंसल हो गया सी। उसे भर्ती नूं 2022 दे विच दोस्तों रीन्यू करिया जा रहा है। तो रीन्यू करन दे नाल नाल कुछ कंडीशन जिहड़ियां एस आई भर्ती दे नाल लागू की गई है, वह कि कुछ कंडीशन है, वह सारी गलबात आप अज की वीडियो करा। सो थोड़ू एस आई भर्ती में इंट्रस्ट है तो यह वीडियो तुम्हें बहुत ही बरीकी ध्यान देखना है, ठीक है। सो सब तो पहले आप वे चेंज की गल कर लेंगे। तो 2021 एस आई भर्ती का जो पेपर से वह ऑनलाइन से दो पेपर होए से 400-400 नंबर के, ठीक है। ओवरऑल एस आई का एग्जाम 800 नंबर का रखा गया, बट ऐतकी जो पेपर होएगा ऑफलाइन पेपर होएगा, ठीक है। ध्यान रखियो ऐतकी एस आई भर्ती का पेपर जो है ऑफलाइन होएगा, तो हो सकता है इको ही पेपर हो जाए, ठीक है। तो यह चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। उस तो बाद कंडीशन देखो भाई, बहुत ही वड्डी कंडीशन इतने लागू होंगी है। जे तुम आ कंडीशन सैटिस्फाई करते हो तो ही एस आई भर्ती 2022 आपका फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। सो ये जो भर्ती है दोस्तों मेनली जो इंस्ट्रक्शन फॉलो हो 2021 वाले नोटिफिकेशन के ही फॉलो हो, तो भी तुम नोटिफिकेशन भी चैक करवावे। सो कंप्लीट वीडियो तुम्हें देखनी है। तो इतने कंडीशन यह लगती है कि 2021 वाला जो नोटिफिकेशन है उसका पैरा है जी 5.3.1, ठीक है। 5.3.1 जो पैराग्राफ है उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। जे तुम क्वालिफाई करते हो तो इतने फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो एजुकेशन तो सेम है भाई, 3 रैंक वास्ते थोड़ी ग्रेजुएशन मंगी गई है, तो 1 जड़ा है उसके वास्ते कंप्यूटर डिप्लोमे वगैरह भी मंगे गए हैं, ठीक है। बट रोला यह पैंदा है दोस्तों कि वह क्वालिफिकेशन थोड़ी 27 जुलाई 2021 तक क्लीयर है, तो ही तुम अपलाई कर सकते हो, ठीक है। अज वाले जो जवान है जो हूँ 2022 के ग्रेजुएशन क्लीयर कर रहे हैं या डिप्लोमे वगैरह क्लीयर कर रहे हैं, वो एस आई भर्ती 2022 वास्ते इलीजिबल नहीं है, ठीक है। सो एक कंडीशन तुसी सैटिस्फाई कर दो तो ही अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होएगा। बाकी गलबात जी है आप 2021 नोटिफिकेशन के उत्ते करांगे। तो एक गल होर तुसी ध्यान रखनी है, जे तुसी फॉर्म दे विच कोई चेंज करना चाहते हो, फॉर्म अपडेट करना चाहते हो, तो इस वास्ते थोड़ू नवा फॉर्म ही सबमिट करना होएगा। चेंज दी इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दी। तो जे थोड़ा लगता है भी थोड़ा फॉर्म बिल्कुल सही से, तुम कोई अपडेट वगैरह नहीं करना, तो थोड़ा कोई भी चीज़ करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमैटिकली थोड़े एडमिट कार्ड जोड़े है वह जारी हो जाएंगे। ये तो आप अज वाले शोर्ट नोटिफिकेशन के उत्ते गलबात कर ली, हूँ चलते हैं 2021 वाले फुल नोटिफिकेशन के वाल, ठीक है। सब तो पहला ओवरऑल आप पोस्टा की गल करते हैं। तो एस आई के दोस्तों जी थोड़ी पोस्टा से वो कई तरह के रैंकों की जारी हुई सी, मतलब कई तरह के विंगा दे विच जारी हुई सी। इस दे विच सब तो पहले आप गल करिए तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर दे विच जिहड़ी तुहाडी एस आई दी पोस्ट सी वह 87 पोस्टां इत्थे जारी की गई सी, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद आप गल करिए इत्थे आर्मड पुलिस कैडर दे विच टोटल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पैक्टर की 97 पोस्टां इत्थे जारी की गई सी। तो उस तो बाद नैक्सट जी है वह इंटैलीजेंस कैडर के जी थोड़ी पोस्टा सी 87 पोस्टा जारी की गई सी। नैक्सट उस तो बाद जी इनवैसटीगेशन कैडर के एस आई दोस्टा से वह 299 पोस्टा से, ठीक है। 289 पोस्टा इतने जारी की गई सी। सो ये दोस्तों थोड़ी एस आई दोस्टा, ठीक है। हूँ गल कर रहे दोस्तों ये जी थोड़ी एस आई दोस्टा आई सी, इन्हों का पे स्केल की सी। पे स्केल से जी थोड़ा 35,400 रुपया, ठीक है। काफ़ी वधिया पे स्केल एस आई का होंदा है। दैन उस तो बाद आप एज लिमिट की गल करिए तो भाई ध्यान सुन लो, आही एज का क्राइटेरिया 2022 वाली भर्ती के उत्ते लागू होएगा। एज जी जनरल कैटेगरी की जी है वह 18 से 28 साल जी है मंगी गई सी। अदर कैटेगरीज की आप गल करिए, कह लो पंजाब की राखवीं कैटेगरिया की आप गल करिए, उन्होंने जी है वह छूट दी गई सी, जिमें कि 5 साल की छूट जी है इतने दी गई सी एस सी ते बी सी कैटेगरीज नू। इस तो अलावा जो पंजाब के एक्स सर्विसमैन वगैरह है उन्होंने भी इतने जी छूट मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बारे गल जी बहुत ही ध्यान सुन लियो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो इन्होंने झंझट पाया है, ये जो शोर्ट नोटिफिकेशन तुम देखा इस इन्होंने क्लीयर कट मैनशन किया हो कि 5.3.1 कोलम के जी इन्फॉर्मेशन मैनशन की हुई है वह एज इट इज़ लागू होएगी। इसका मतलब है कि आ जी इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है आही थोड़ी क्वालिफिकेशन क्लीयर होनी चाहिए है, तो इसे डेट न क्लीयर होनी चाहिए है। मतलब थोड़ी जी मतलब ग्रेजुएशन इन्होंने
मंगी है तो थोड़ी ग्रेजुएशन 27 जुलाई 2021 तक क्लीयर सी ता ही तुसी एसआई भर्ती का फॉर्म जिहड़ा है वो भर सकते हो। जे तुसी आपकी ग्रेजुएशन 2022 दे विच क्लीयर करके आए हो तो तुसी आपका फॉर्म इत्थे सबमिट नहीं कर सकते। सो ये चीज़ तुसी ध्यान रखनी है। इसे तरीके नाल एज दी काउंटिंग भी 2021 तो ही करी जाएगी। सो आप क्वालिफिकेशन की गल करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के क्वालिफिकेशन जी है सिंपल ग्रेजुएशन से, आर्मड कैडर के भी ग्रेजुएशन से, इनवैसटीगेशन कैडर के भी ग्रेजुएशन से, बट इंटैलीजेंस के इन्होंने ग्रेजुएशन के नाल कंप्यूटर के डिप्लोमे वगैरह मंगे से। सो उन्होंने इनफॉर्मेशन तुम इतों देख सकते हो, ठीक है। उस तो अलावा आप गल करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो ध्यान सुन लो भाई फिजिकल स्टैंडर्ड भी आ ही रहने वाला है। जी मुंडिया की हाइट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के 5 फुट 7 इंच मंगी गई थी, कुड़िया की 5 फुट 2 इंच, आर्मड पुलिस के मुंडिया की 5'7" कुड़िया की 5'2" तो इनवैसटीगेशन मुंडिया की 5 फुट 5 इंच हाइट मंगी गई थी, कुड़िया की 5 फुट 1 इंच हाइट मंगी गई थी, तो इंटैलीजेंस के मुंडिया की 5 फुट 5 इंच हाइट सी, कुड़िया की 5 फुट 1 इंच हाइट जी है वह मंगी गई थी। सो इतकी भी आही इन्हों का स्टैंडर्ड रहने वाला है। उस तो बाद सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए, पहला थोड़ा रिटन होएगा, फिर फिजिकल होएगा, फिर जी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन तो बाद थोड़ी मेरिट जी है वह बन जाएगी, ठीक है। तो पेपर के पैटर्न भाई चेंज हो चुके हैं, ठीक है। पिछली बार थोड़ा ऑनलाइन पेपर से, इतकी ऑफलाइन होएगा। तो जिदा कि पिछली बार तुम्हें देखा होएगा 2 पेपर से, 800 नंबर के दोनों पेपर से, 400 का एक से, तो इतकी उसका पैटर्न भी इतने चेंज हो सकता है क्योंकि इतने ऑफलाइन पेपर होएगा तो उन्होंने कोशिश होएगी एको ही पेपर लेने की, ठीक है। सो इतने थोड़ा चेंज जो है देखने को मिल जाएगा। नैक्सट उस तो बाद आप इतने गल करते हैं नैगेटिव मार्किंग वगैरह की, तो वह सेम रहने वाली, नैगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं, वो सेम ही रहेगी। तो दैन उस तो बाद आप इतने गल करते हैं भी थोड़े फिजिकल दे विच इवेंट की होणगे, ठीक है। तो इवेंट देख लो भाई, जे तुसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से आर्मड पुलिस वास्ते जाओगे तो मुंडिया का जो इवेंट होएगा 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में करनी होएगी, लोंग जंप 3 मीटर 65 सेंटीमीटर का होएगा, 3 चांस हो गए, हाई जंप 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का होएगा, इस भी 3 चांस हो गए। इसे आप गल करिए फीमेल कैटेगरी की, तो 800 मीटर रनिंग करनी होएगी, 5 मिनट का टाइम होएगा, लोंग जंप होएगा 3 मीटर का, हाई जंप होएगा 90 सेंटीमीटर का। दैन उस तो बाद आप इंटैलीजेंस से इनवैसटीगेशन कैडर की गल करते हैं, ठीक है। तो इस मुंडिया की जी रनिंग होएगी 800 मीटर रनिंग 4 मिनट के करनी होएगी, लोंग जंप जोड़ा 2 मीटर 75 सेंटीमीटर का होएगा, तो हाई जंप 90 सेंटीमीटर का होएगा। दैन उस तो बाद फीमेल कैंडिडेट की आप गल करते हैं, तो इतने फीमेल 400 मीटर रनिंग करनी होएगी, 2 मिनट लोंग जंप होएगा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का, हाई जंप होएगा 75 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यह थोड़े फिजिकल टेस्ट के इवेंट ने, फिजिकल स्टैंडर्ड भी मैं थोड़ा दस दिता, तो फीसा वगैरह जो नवे बच्चे अपलाई करेंगे सेम ही फीसा रहेगी, कोई ज़्यादा इतने चेंज थोड़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो जी इन्फॉर्मेशन है बहुत ही छेती पंजाब पुलिस की ऑफिशियल साइट के उत्ते अपडेट कर दी जाएगी। सो उत्थे तुम बार बार जो चैक करते रहना है, जो भी वो नोटिफिकेशन आए तुम रीड करके आपका फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। तो जवानों ने भाई आपका फॉर्म जो है नवे सिरे तो अप्लाई करना हो नवे सिरे तो कर सकते, बट उन्होंने क्वालिफिकेशन 27 जुलाई 2021 तक क्लीयर होनी चाहिए सी। तो जिन्होंने आपके फॉर्म को अपडेट करना है उन्होंने भी नवे सिरे तो ही अपलाई करना होगा, अपडेट का इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं पाया। जे तुम भावें मोबाइल नंबर अपडेट करना है, भावें आपका कोई सर्टिफिकेट अपडेट करना है, तो थोड़ू नवे सिरे तो ही फॉर्म अपलाई करना होगा। तो यह जो झंझट है इसनों देख के लगता है भी फीस इकट्ठी करने का भी मसला लग रहा है, क्योंकि बच्चे ने मान लो एक मोबाइल नंबर ही अपडेट करना है, ठीक है, छोटी जी ऑप्शन पा देंगे भाई अपडेट की, हूँ उसके वास्ते भी तुम्हें 1500 रुपया फीस भरनी होएगी, सारा फॉर्म दोबारा तो भरना होएगा, ता ही तुसी अपडेट कर सकते हो, सिंगल अपडेट की इतने कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। इस तो अलावा जो नवे फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो भाई देख लो 27 जुलाई 2021 तक जो थोड़ी क्वालिफिकेशन क्लीयर है तो ही तुम इतने फॉर्म जो सबमिट कर सकते हो। हूँ जे तुम बी ए या फिर कंप्यूटर कोर्स वगैरह क्लीयर करके आए हो तो हूँ तुम इलीजिबल नहीं हो, ठीक है। तो यह कुछ कंडीशन है, बाकी मैं सारी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो थोड़े नाल शेयर कर दी, जिदा ही इन्हों का फुल नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा वो भी थोड़े नाल शेयर कर देंगे। थोड़ा कोई सवाल हो डाउट हो मैंने कमेंट करके पूछ लियो, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा वधिया लगी हो लाइक शेयर जरूर कर दियो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सबसक्राइब कर लियो, आप मिलते हैं नैक्सट वीडियो उदों तक के लिए रब रब।